जय माता दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का वीपीटी भक्ति सागर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्यारी माताओं बहनों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु और उज्ज्वल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत जो है वो 17 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जो भी माताएं बहनें ये व्रत करती हैं तो वीडियो अंत तक और ध्यान से अवश्य देखें। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ इस व्रत का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है अहोई अष्टमी का पर्व। प्यारी माताओं बहनों, इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, साथ ही महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत को तारे देखकर तोड़ा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी के व्रत पर कई शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन कुछ खास उपाय करने से संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होती है। प्यारे मित्रों, अहोई अष्टमी पर बनने वाला जो शुभ संयोग है, अभिजीत मुहूर्त जो है इसका दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:47 तक रहेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं शिव योग की, तो 17 अक्टूबर को प्रातः काल से लेकर के शाम 4:02 तक शिव योग बना रहेगा। दोस्तों, ये व्रत अत्यंत ही उत्तम है उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए भी जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, जो संतान अपने जीवन में चाहती हैं, पुत्र प्राप्ति चाहती हैं, उनके लिए भी व्रत अत्यंत ही उत्तम है। प्यारे मित्रों, आगे बात करते हैं कि अहोई अष्टमी पे पारण मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है। जी दोस्तों, जो माताएं तारों को देखकर पारण करती हैं वो शाम के समय 6:36 पर पारण कर सकती हैं। वहीं पर जो महिलाएं चंद्रमा को देखकर पारण करती हैं वो रात को 11:24 के बाद पारण कर सकती हैं। तो प्यारे मित्रों, ये थी जानकारी अहोई अष्टमी पर्व से जुड़ी हुई। इसके अतिरिक्त भी यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, यदि आप इसकी पूजा विधि जानना चाहते हैं या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं आपको अवश्य ही उसका उत्तर दूंगी, उसके लिए एक नया वीडियो अवश्य ही बनाऊंगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो समझ में आया है, आपने वीडियो को पसंद किया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। जय माता दी।